Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Today you people will learn about Jacobean period. You will learn about the Carolian period. And I already told you about Jacobean period. It's a Latin word, basically Jacobus, and its substitution meaning, if we just translate it into English, it will become James I. So let's talk about the Carolans. The Carolan is just like, it's another word for the Charles. So Charles basically, it's having meaning when we translate it from Latin into English, it will become Charles. So same way James, and then Jacobean period, then we have Charles I period, which is commonly known as Carolan period. In Carolan period, we'll see what kind of literature there was, and what were people writing, poetry, prose, drama, like that. We will also see about the socio-political background of that age. Why Charles I beheaded, and when he was beheaded, why did they do so? Why did they behead this person? Usko behead kyun kiya gaya? What was the reason? What were the pros and cons behind it? We'll see each and everything. So talk about the Jacobean period first. I have already discussed about the Jacobean period. Jacobean period mein humne discuss kiya tha ke James jo the wo basically Scotland se taluk rakhte the, usme thoda sa political background tha. फिर डिस्कस कर देता हूँ इधर, इसको ज़रा देख लें, इनको समझ लें. अच्छा, हेनरी जो 7 था, उसके दो बच्चे थे, एक हेनरी 8 था. हेनरी 8 जिसने 4 शादियाँ की थी, और उसी ने ब्रेक किया था रोमन कैथोलिक जो मज़हब था, उसको अलहदा कर दिया. रोमन कैथोलिक चर्च को अलहदा करने वाला हेनरी 8 है. उसने कहा, आप मेरी बात नहीं मानते तो हम क्या, हम आपको नहीं मानते. उसने अपना चर्च बना लिया प्रोटेस्टेंट. प्योरिटन्स जो हैं वो सारे उससे बने, यानी प्रोटेस्टेंट. उन्होंने एक अपना रिलीजन बना लिया, अपना सेक्ट बना लिया. तो उन्होंने क्या किया, रोमन कैथोलिक को छोड़ दिया. अब आज भी अगर आप देखें तो इंग्लैंड के अंदर प्योरिटन्स ज़्यादा हैं, यानी प्रोटेस्टेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया था. आए कहाँ थे, वो भी रोमन कैथोलिक मज़हब जो इनका मेन था, क्योंकि रोमन ही देने वाले हैं ना क्रिश्चियनिटी. यहाँ पर इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी कौन लेकर आए थे, रोमन्स लेकर आए थे, उनके प्रीस्ट लेकर आए थे. पहले वो इन्फ्लुएंस हुए थे क्रिश्चियनिटी से, फिर वो यहाँ पे इंग्लैंड में लेकर आए. तो इंग्लैंड के अंदर ज़्यादा जो है वो रोमन कैथोलिक की जो लैटिन ग्रीक जो लैंग्वेज थी वो ट्रांसलेटेड थी, तो वो उन्होंने उसके ज़रिए उनको इम्पार्ट कर दिया. और आज भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको क्यों मिलते हैं क्रिश्चियन ज़्यादा, बिकॉज रोमन, सिंस रोमन दे कैम ओवर देयर एंड दे ब्रॉट देयर रिलीजन, कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशन, एवरीथिंग दे ब्रॉट इन द इंग्लैंड एंड दे रिफॉर्म्ड ऑल थिंग्स इन इंग्लैंड. तो ये सारी जो रिफॉर्मेशन हुई है इंग्लैंड के अंदर, जैसे उसकी लैंग्वेज के अंदर रोमन ग्रीक के वर्ड मिलते हैं, फ्रेंच के मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर अमेलगमेशन है, मिक्सचर्स है इन सब लैंग्वेज का. सो बेसिकली दे हैव टेकन ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द रोमन ग्रीक्स. अब यहाँ पे जो रोमन ग्रीक को जो ब्रेक, रोमन का जो कैथोलिक जो मज़हब है उसको ब्रेक करने वाला हेनरी 8 है, उसने कहा हम अपना चर्च बनाएंगे. इन्होंने अपना चर्च बनाया. तो यहाँ इसके हेनरी 7 के दो बच्चे थे, मैंने डिस्कस किया, एक था हेनरी 8 और दूसरी मार्गरेट ट्यूडर. मार्गरेट ट्यूडर जो है ये मतलब इसकी इससे पैदा होता है, यानी मार्गरेट ट्यूडर का जो मतलब आगे बेटा पैदा होता है वो जेम 5 है. इसकी इनसे जेम 5 पैदा होता है, और इसकी शादी होती है किससे, मैरी 1 से. तो मैरी 1 से आगे फिर पैदा हुआ है जेम 6, यानी ये 4 है जेम, उसके बाद क्या जेम 5 है, और इसके बाद 6 बनता है. अब जेम 6 जो है ये इंग्लैंड में जाके, चूँकि एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, मैंने बताया था कि एलिजाबेथ के पास कोई वारस नहीं है, तो उन इंग्लैंड को, अब इंग्लैंड वालों ने उस वक्त सारे पार्लियामेंटेरियंस और जितने भी लोग थे उन्होंने बैठ के मशवरा किया कि क्या करें. उन्होंने कहा कुछ, चूँकि बहुत सारे लोग जो मलका एलिजाबेथ को बहुत लाइक करते थे, वो कहते कि सबसे नज़दीकी रिश्तेदार जो है ना रिलेटिव वो जेम बन रहा है, तो इसको जेम को यहाँ पे ले आए, पढ़ा लिखा भी है. तो जेम 1 यहाँ पे आके क्या बन जाता है, जेम 1, और वहाँ से स्टार्ट होती है जैकोबियन पीरियड स्टार्ट होता है. ये हमने बड़ा डिटेल देखा था. तो इसका पीरियड है जैकोबियन पीरियड जो है वो 1603, चूँकि एलिजाबेथ की डेथ हो रही है 1603, ऐसे ना नाम को याद रखना आसान होता है. 1603 पे एलिजाबेथ की डेथ हो रही है,
यहाँ से ही पीरियड स्टार्ट हो जाता है जैकोबिनियन, ठीक है, और 1625 तक ये चला है। 1625 के बाद जो चूँकि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे टसल्स प्रॉब्लम्स थी, जेम्स किंग जेम्स के वहाँ पे आने से बहुत सारे लोग जो थे वो खुश नहीं थे, सिंस दे वर कंसीडरिंग जेम एज अ फॉरनर एंड एज यू नो एलिजाबेथ डाइड एंड देर वर सम टसल विद स्पेन एंड फ्रांस, लॉट ऑफ पीपल दे वर हैविंग सम एनिमिटी और लाइक दैट, बट जेम वन केम ही स्टार्टेड मेंडिंग रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द कंट्री सराउंडिंग कंट्रीज। जैसे ही जेम वन आया तो उसके अंदर एक खूबी थी कि जेम वन ने अपने रिलेशन जो है वो बेहतर किए, किसके साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ भी एक जंग चली थी बहुत पुरानी, आपको मैंने बताया था। फिर उसके बाद दूसरा उसने काम किया कि स्पेन के साथ जो लड़ाई हो रही थी उसके साथ भी रिलेशन अच्छे किए। अच्छा, इसने पार्लियामेंट जो है सारे उनको मशवरा दिया, ये मशवरा देता है एक कि क्यों ना स्पेन का जो मजहब था वो रोमन कैथोलिक था, नोट था, इसने कहा कि जो स्पेन की शहजादी है प्रिंसेस है उसके साथ क्यों ना शादी कर ले मेरा बेटा चार्ल्स वन, मैं उसकी चार्ल्स वन से शादी कर देता हूँ, तो क्यों ना इस तरह पुरानी दुश्मनी को हम मेंड कर दें। तो लेकिन ये लोग जो हैं ज़्यादा स्पेन के अंदर भी रोमन कैथोलिक हैं और फ्रांस के अंदर भी देखा जाए तो चूंकि वहाँ पे भी रोमन कैथोलिक जो है उन्होंने मज़हब को फैलाया तो रोमन कैथोलिक उधर भी मौजूद है, यानी ये मशवरा देता है कि स्पेन के साथ या फ्रांस के साथ अगर हमने अपने रिलेशन को अच्छा करना तो मैं अपने बेटे की वहाँ शादी कर देता हूँ। तो उस वक्त के जितने भी जेम्स के वो जितने पार्लियामेंटेरियन थे और प्योरिटन्स थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे, प्योरिटन्स जो हैं वैसे ही रोमन कैथोलिक को पसंद नहीं करते, एक एंटी उनका फिरका है, तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बात अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड बिकॉज वी डू नॉट लाइक रोमन कैथोलिक एंड वी डू नॉट वॉन्ट वंस अगेन टू ब्रिंक रोमन कैथोलिसिज्म ओवर हेयर, हमने बड़ी मुश्किल से रोमन कैथोलिसिज्म से आगे जान छुड़ाई है और हमारे घर जले, हम लड़े, ये बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, आपने सुना होगा अगर आपने पढ़ी है, आयरलैंड के अंदर ज़्यादा रोमन कैथोलिक है, ठीक है, और वहाँ पे प्रोटेस्टेंट भी बैठे हैं जो बरतानिया के लोग थे, तो इन दोनों की आपस में अक्सर एक दूसरे के घर जलाना, लड़ाइयाँ होना, ये आम थी उस वक्त बात। तो उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से आगे जान छुड़वाई है, तो ये तुम क्या यानी एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हो रोमन कैथोलिक को लाने, इसके रोमन कैथोलिक थोड़े से वो अपने रिचुअल और अपनी सेरेमनी और वो सॉन्ग और वो चर्च जाना और संडे को गीत गाना और वो हिम पढ़ना इसको बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन प्योरिटन्स जो हैं उन्होंने एक रिफॉर्म किया हुआ अपने मज़हब को, तो वो और तरह के बंदे हैं, यानी वो थोड़ा सा रिफॉर्म्ड करके लेकिन वो भी स्टॉन्च बिलीवर हैं। ईज ऑफ द रेनेसेंस इन इंग्लैंड ये हमने पहले भी देखा, देख लें एलिजाबेथन एज हमने ये कवर किया है और जैकोबियन पीरियड जो है 1603 से 1625 तक हम डिस्कस करेंगे, कैरोलियन एज जो है 1649 को चार्ल्स जो है वन इसको बिहेडेड कर दिया जाता है। आज मैं आपको सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है चार्ल्स वन से रिलेटेड बताऊंगा, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये आपने कर लिया इसलिए हम इस पर वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम ऑन दीज एक्टिविटीज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, आई एम गोइंग टू डिस्कस कैरोलियन एज कैरोलियन एंड जैकोबियन पीरियड और उसके कुछ राइटर देख लें। अच्छा जी, जैकोबियन पीरियड, जेम वन चूंकि स्कॉटलैंड से आया है तो बहुत सारे जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इसे इसलिए लाइक नहीं कर रहे कि ये एक फॉरनर है और ये हमारे कंट्री का नहीं है, हमें इस तरह का राजा या इस तरह का किंग चाहिए जो हमारे कंट्री का हो और हमारा ज़्यादा सोचे, क्योंकि जेम वन जो है बहुत सारे लोगों बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपने हालात बेहतर कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, पढ़ा लिखा भी है और उसने बाइबल को ट्रांसलेट भी किया है और बहुत सारे लिटरेचर के अंदर भी इस वक्त काम हो रहा है, लेकिन एलिजाबेथन एज जितना नहीं हो रहा,
ठीक है, और ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन वो हकूमत कर रहा था, वो एक एक्सपीरियंस किंग था एंड ही हैज़ ब्रॉट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्कॉटलैंड से भी वो चूंकि एक यानी एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जो कि रॉयल था, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आया था। लेकिन अगर इसके बरक्स बात की जाए इसके बेटे की, वी टॉक अबाउट द चार्ल्स वन ही वॉज अ टिमिड एंड शाई काइंड ऑफ पर्सन, ही रिमेन अवे फ्रॉम द पार्लियामेंट, ही इज नॉट हैविंग अ बेटर इंट्रैक्शन लाइक जेम वन का इंट्रैक्शन जो है वो पार्लियामेंट से अच्छा था, वो उनकी बात सुन लेता था और अपनी मनवा लेता था। यू नो व्हेन पार्लियामेंटेरियंस आर ओवर देयर ही टॉक्स टू देम, नेगोशिएट देम एंड ही समटाइम ही एक्सेप्ट देयर प्रपोजल एंड समटाइम ही गिव हिज प्रपोजल एंड दे एक्सेप्टेड। सो ही वाज रनिंग यू नो ही वाज मैनेजिंग गवर्नमेंट इन क्वाइट सिस्टमेटिक ऑर्डर। बट टॉक अबाउट द पर्सन लाइक चार्ल्स वन, ही वाज अ टिमिड, ही वाज अ शाई, ही वाज अ isolated kind of personality, he does not mix with other people, he consider himself a royal personality, he say that since we are the royalist and since we are the king and it is it's his absolute right to rule and reign on the on his subject and the subject is not allowed to talk to the king, king ka ye divine right hai ki wo absolute monarchy ho। यानी वो किस पे बिलीव करता था, जेम वन भी इसी पे बिलीव करता था, लेकिन वो अपनी बात को क्या करता था, वो एक ब्रॉडन बंदा था, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा था, मैनेज कर लेता था, बहुत सारे मामलात को निगोशिएट कर लेता था, उसने अपनी जो सल्तनत है उसको तकरीबन चार्ल्स वन से अच्छा गुजारा। लेकिन चार्ल्स वन जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का कायल है और कोई जो है किंग को क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता और टोटली He is a follower of this thing that we are just a king and it is our divine right to rule। अब इस चीज़ को सपोर्ट कौन कर रहा था, एक तो उस वक्त के जो रिलीजन था वो भी उसको एंडोर्स करता था कि किंग जो है वो हमारा वो सन ऑफ गॉड होता है एंड ही शुड रूल अस, ही शुड रीन अस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी सी दैट देर आर लॉट ऑफ ट्रसल बिटवीन द पार्लियामेंटेरियन एज वेल एज चार्ल्स वन, और वहाँ पे जो प्योरिटन्स जो कि रिलीजन के स्टॉन्च फॉलोअर हैं वो भी फिर इस बात को बढ़ावा देते हैं, वो कहते हैं ही इज नॉट ट्रू सन ऑफ गॉड बिकॉज ही इज अ वलप्चुअस किंग एंड ही इज हैविंग 1000+ मिस्ट्रेस एंड ही इज जस्ट स्पेंडिंग मनी ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए ये सारे मामला इंग्लैंड के अंदर चल रहे थे कि उसमें यानी रॉयलिस्ट जो है उनके दरमियान दो फैक्शन बन गए थे, उसमें एक तो रॉयलिस्ट फैक्शन बन गया था जो किंग का था और इनको खवेलियर भी कहते हैं, ये बात नोट कर लें खवेलियर्स, और बाद में कुछ पोएट भी आए थे उनको भी खवेलियर पोएट कहा जाता है। यानी ये जो रॉयलिस्ट लोग थे ये किसको फॉलो करते थे, ये किंग के चार्ल्स वन की एब्सोल्यूट मोनार्की को फॉलो करते थे। लेकिन दूसरी साइड पर एक था प्योरिटन्स और पार्लियामेंटेरियन। अब पार्लियामेंटेरियन और प्योरिटन्स जो हैं ये एक साइड पे हो गए दोनों और इधर रॉयलिस्ट हो गए, अब दोनों जो हैं इनकी टसल चलती रहती है, ये किंग के सपोर्टर थे, ये प्योरिटन्स थे और पार्लियामेंटेरियन दोनों मिले हुए थे। उस वक्त जो जितने भी रिसोर्सेज थे इंग्लैंड के उनके ऊपर काबज थे, यानी पैसा जो था वो पार्लियामेंटेरियन से इकट्ठा होता था। यानी अगर आपने कोई जंग करनी है या कोई आपने एक्शन लेना है या आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करते थे पार्लियामेंटेरियन। सिंस पार्लियामेंटेरियन दे नॉट हैविंग अ गुड रिलेशन विद द किंग लाइक चार्ल्स वन, ही इज नॉट हैविंग बेटर इंट्रैक्शन विद देम, सो दे समटाइम दे यू नो they are not having the support with the king। तो अक्सर होता कि जब वो उनके साथ लड़ पड़ता या उसको पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देता या उसको ख़त्म कर देता, तो हम ये देखते हैं कि वो उसको पैसा नहीं दे रहे, पैसे को रोक लेते, ठीक है, उसके जो बहुत सारे मसाइल है उसके लिए खड़े कर देते और इस तरह वो सफ़र करता रहता, एनी हो वो गवर्नमेंट को चलाता रहा, इवन कि उसने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया उसके बगैर भी वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट 11 ईयर उसने गवर्नमेंट चलाई। लेकिन वो गवर्नमेंट तो चलती रही लेकिन उसमें मसाइल जो हैं फिर बहुत सारे जो उसके खिलाफ जो हैं वो हो गए। मैंने बताया था कि एक मॉडर्न पोएट है डब्ल्यू बी ईट, इसका पूरा नाम है बटलर ईट, इस तरह इसका नाम है,
तो डब्ल्यू बी यीट जो है वो अपनी एक पोइम है, उसकी एक बुक है द विजन, तकरीबन उसने कोई 1925 राउंड अबाउट यही डेट है, इसमें लिखी है, मॉडर्न पोइट्स के नाम से जाना जाता है। 1925 में इसने एक बुक लिखी थी द विजन, उसके अंदर लिखता है कि हर कंट्री के अंदर दो सिविलाइजेशन होती है, हर सिविलाइजेशन एक खास अरसे के बाद डेड हो जाती है, सिविलाइजेशन और दूसरी सिविलाइजेशन, एक होती है डोमिनेट, DOM लिख रहा हूँ, एक होती है डोमिनेटेड, यानी एक जो डोमिनेट हो जाती है और एक डोमिनेट जो कर रही है वो होती है। तो डोमिनेटेड और डोमिनेटिंग दो तरह की सिविलाइजेशन होती है, जो डोमिनेट कर लेती है वो हमेशा क्या करती है, वो नीचे वाली को दबा के रखती है उस सिविलाइजेशन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे वाली ऊपर वाली जब डेड या वीक होती है या उससे बरूनी सपोर्ट मिलती है तो वो क्या करती है, नीचे वाली जो होती है वो ऊपर आ जाती है। तो इस तरह कहता है ये चक्कर चलता रहता है और ये कहता है सदियों से चल रहा है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बुक लिखी है, आप पढ़ के देखिएगा कि हर कंट्री के अंदर दो आवाज़ें होती हैं, एक आवाज़ जो दब जाती है, एक जो दूसरी को दबा लेती है। जो दब जाती है वो ये कोशिश करती है जिसने मुझे दबाया मैं उसके उसको चेज करती रहूं, और जैसे ही वो कोई सपोर्ट हासिल करती है तो वो दूसरी को दबा लेती है। तो दिस गोज साइड बाय साइड एंड इफ वी सी कंडीशन ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द चार्ल्स वन एंड जेम्स यू नो वन, वी सी दैट द क्वाइट लाइक दैट सिचुएशन वी फाइंड कि जैसे वो एक जो पावर है, प्योरिटन्स जो थे वो दबे हुए थे जेम यानी जेकोबियन पीरियड में, लेकिन चार्ल्स वन में चार्ल्स से वो संभाला नहीं गया तो वो पार्लियामेंटेरियन को साथ मिला के प्योरिटन्स क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, अल्टीमेटली वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करने के बाद उसको बिहेडेड कर दिया जाता है। बिहेडेड मीन उसका सर जो है वो उसके तन से जुदा कर दिया जाता है, और ये पहला किंग था कि जिसको जिसका सर जो है वो काट दिया गया था, आ भी सकता है एग्जाम में, ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी। जैकोबियन एज में जो प्रोमिनेंट राइटर था उसका नाम है फ्रांसिस बेकन, हमने थोड़ा सा कल भी डिस्कस किया था। फ्रांसिस बेकन ने बड़े डाइवर्स टॉपिक पे लिखा है, फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। फ्रांसिस बेकन जो है वो प्रोज में बात करता है पिथी कंसाइज एपिग्रामेटिक ठीक है, और विटी यानी विटी एफरिस्टिक कंसाइज पिथी और कंडेंस और एपिग्रामेटिक। सो दीज इफ वी जस्ट सी द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग इट मीन कंसाइज डायरेक्ट टू द पॉइंट पिथी कंसाइज एपिग्रामेटिक एफोरिस्टिक सो मीनिंग्स आर सेम, इसका लिटिल बिट वेरिएशन के साथ मीनिंग सेम ही है। ऐसी बात करेगा वो कहता है स्टडी सर्व्स डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, स्टडी करने से इंसान को डिलाइट मिलती है, ऑर्नामेंट मिलता है, एबिलिटी आती है। इट्स अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी, once it's constrained to seek power on other and lose power on himself, uneasy lies on the head of those who wear its crowns. वो कहता है कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. तो वो कहता है कि children sweeten labor, but make the fortune more bitter. इंसान जो है अगर बच्चे रखता है या उसके बहुत सारे बच्चे हैं तो उसे काम करने में मजा आता है, स्वीटन लेबर कि उसे लेबर करने में मजा आता है, बट मेक द फॉर्चून मोर बेटर, लेकिन इंसान की वो तकदीर जो किस्मत है उसको बुरा बना देते हैं, यानी पैसा जो लगता है बच्चों के ऊपर। तो हमेशा ये एक रेनेसेंस फिगर है, बात किसकी करेगा सर फ्रांसिस बेकन, किसकी करेगा, मनी की, फायदे की, एडवांटेज की बात करेगा। वो कहता है कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, फिर कहता है रिवेंज ले लेना चाहिए अगर बंदे को कानून जो है वो नहीं पकड़ता। वो बात करेगा पेल्फ की, वो बात करेगा वेल्थ की, क्यों करेगा भाई, बिकॉज ही इज अ रेनेसेंस फिगर एंड इन दैट पीरियड पीपल वर बिहाइंड मनी, पीपल वर बिहाइंड पेल्फ, पीपल वर बिहाइंड यू नो नॉलेज, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर स्टेटस, लस्ट फॉर यू नो वर्क, तो इन सारी चीज़ों के पीछे इंसान पड़ा हुआ था, उसमें यूटिलिटेरियन था अप्रोच में, तो
तो बेकन जो है वो बात करता है, तो उसने फिर ज्यादा क्या लिखा, किंग जेम्स के लिए उसने लिखा। सेकंड वर्जन जो है उसने अपने ऐसे का किसके लिए लिखा, किंग जेम्स के लिए। पहला एडिशन जो है वो कब आता है उसका, 1597 में। दूसरा वो कब निकालता है, 1625 में। और ये कहते हैं किसके लिए उसने लिखा था, किंग जेम्स के लिए। वो बादशाहों के साथ अच्छे ताल्लुक बनाता था ताकि वो उसे ज़्यादा नवाजें। तो इसमें हमारा प्रोमिनेंट जैकोबियन राइटर में जो एज है, एज में राइटर है वो फ्रांसिस बेकन। अब हिस्ट्री पे लिखता है, ट्रैवल पे लिखता है, गवर्नमेंट पे लिखता है, और पॉलिटिक्स पे लिखता है, एथिक्स पे लिखता है, रिलीजन पे लिखता है, लॉ पे लिखता है, साइंस पे लिखता है, हेल्थ पे लिखता है, फैमिली पे लिखता है, गार्डनिंग पे लिखता है, ठीक है। सो दीज, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल दीज एसे, यू फाइंड दैट दे आर वर्बोस, दे आर फुल ऑफ मीनिंग, दे आर पिथी, दे आर कंडेंस, दे आर कंसाइज, दे आर टू द पॉइंट, दे आर डायरेक्ट, एंड दे आर एपिग्रामेटिक, एंड दे आर फुल ऑफ मीनिंग। सो इट लुक्स एज दो ही हैज़ encapsulated emotion inside his few words. ऐसे लगता है कि जैसे ocean जो है उसने few words के अंदर बंद कर लिया। तो इसके अंदर capacity है कि समंदर को वो जो कूजे में बंद करने वाला काम है वो ये करता है, और इसने इन चीज़ों पे वर्क किया। अगर आप लिखें तो, अगर आपने history पढ़ी है तो history, अगर मैं देखें, मुझे कोई बंदा कहे ना कि रिलीजन पे लिखो, लॉ पे लिखो, फैमिली पे लिखो, एथिक्स पे लिखो, पॉलिटिक्स पे लिखो, तो मैं शायद ना लिख सकूं। मैं लिखूंगा भी तो वो बड़ा डिस्टॉर्शन सी फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि मेरा इस एक खास टॉपिक है उसका नॉलेज है, मुझे लिटरेचर का नॉलेज है, ठीक है, मुझे लिंग्विस्टिक का नॉलेज है, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज हो सकता है। तो कहते हैं बेकन के बारे में कहा जाता है कि वो खुद इंसाइक्लोपीडिया था, डाइवर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज जो था उसके पास था। और उसकी ये उसकी कोटेशन है, याद कर लें, ही सेज दैट आई हैव टेकन ऑल नॉलेज एट माई कमांड, मैंने सारा नॉलेज जो है वो अपनी कमांड में ले लिया। सो ऑल नॉलेज एट माई प्रोवेंस, ये बेकन का कोट। जैकोबियन एज, जैकोबियन एज में एक और राइटर था रॉबर्ट बर्टन, ये भी उस वक्त बड़ा काफ़ी प्रोमिनेंट था। उसके बाद जैकोबियन पोइट्री जो है, इसमें जैकोबियन पोइट्री में हमें ज़्यादातर मिलती है स्पेंसेरियन पोइट के फॉलोअर। हमने देखा कि चौसर की एज में चौसर के फॉलोअर, शेक्सपियर की एज में शेक्सपियर के फॉलोअर, ठीक है, जॉन डन की एज में जॉन डन के फॉलोअर, और इसी तरह मैंने आपको खाइनी वुल्फ का बताया, उसके फॉलोअर बन गए, ठीक है, और इसी तरह बीड के फॉलोअर जो हमने पुराने पोइट पढ़े थे एंग्लो सैक्सन एज में। तो ख़ास एज के अंदर हमने देखा कि उन एजेस के जो फॉलोअर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, उनके कुछ लोग जो हैं उनके फॉलोअर बन जाते हैं, यानी उसका मीटर यूज़ करेंगे, उसका रिदम यूज़ करेंगे, उसका स्टाइल यूज़ करेंगे, वे ऑफ राइटिंग यूज़ करेंगे, तो उनको एक नया पोइट की बजाय लोग उनको किस नाम से याद करने लगे, फिर दे आर द फॉलोअर ऑफ द स्पेंसर, सो दे आर नोन एज स्पेंसेरियन पोइट। तो स्पेंसर की तरह, एडमंड स्पेंसर की तरह जो जिस फॉर्म में वो लिखता था उसी स्टाइल से लिखने लग गए, पेस्टोरल कंडीशन बताते। तो उसके बाद नेरेटिव पोइट्री होती, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस एलिग्रीज को वो डिस्कस करते, तो उसको नाम दे दिया उन्होंने कि ये क्या थे, स्पेंसेरियन पोइट थे। पेस्टोरल का मतलब होता है जिसमें विलेज साइड एरिया, ग्रीनरी साइड दिखाई जाए, उसे कहते हैं पेस्टोरल ट्रेडिशंस, ठीक है। नेरेटिव पोइट्री, पोइट्री नरेशन फॉर्म में होती है, और पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस एलिग्री को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एलिग्री होता है कि आप योर टेक्स्ट इज कैरिंग सेकंड मीनिंग, कि आप कोई एम्बलम यूज़ करें और कोई सिम्बॉलिक मीनिंग जो है वो उसके साथ कोई और भी काफ़ी मीनिंग अटैच हो, उसे कहते हैं एलिग्री। और एलिग्री अगर आपने देखनी है तो आप जोनाथन स्विफ्ट का वर्क देख लें। जोनाथन स्विफ्ट की जो लिटिल इंडियन और बिग इंडियन, और आपने देखा कि वो जो लिलीपुशंस हैं, लिलीपुशन हमें लगते हैं कि लिलीपुशन जस्ट वो क्या पिगमीज हैं, ठीक है, बच्चों की टेल्स हैं, वो किड्स की टेल्स लगती हैं, कि वो किड्स टेल्स हैं और बच्चे जो हैं उससे लुत्फानंदोज़ होते हैं। लेकिन जब हम उसे डीपली देखते हैं तो वो इंग्लैंड के ऊपर बड़ा स्टाइल होता है, वो है एक एलिग्री, इस तरह की एलिग्री। और फीनियस एंड जाइल्स फ्लेचर्स, सारो जॉयस, इन्होंने लिखा है सारो जॉयस, ये हमेशा मिलके लिखते थे, फ्रेंड थे और मिलके पोइट्री करते थे। उसके बाद जी मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोइट्री की करैक्टरिस्टिक है कि वो हाफ फरफेच्ड इमेजेस को यूज़ करते, कंसीट को यूज़ करते, और उसके अलावा सिंबली, मेटाफर्स या पन, हाइपरबली,
paradox, these elements were common in their poetry. और जॉन और टी एस एलियट ने इनको एडमायर किया है. आ सकता है क्वेश्चन, हु एडमायर्ड मेटाफिजिकल पोइट्स स्पेशली जॉन डन? तो आप कहेंगे कि टी एस एलियट वॉज द ग्रेट एडमिरर ऑफ द जॉन डन. उसने कहा कि ये यूनिफिकेशन ऑफ थाट एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जानता है. यानी कुछ पोइट जो हैं उनके अंदर यूनिफिकेशन ऑफ थाट नहीं है, यानी थाट जो है वो डिस्पर्स है. पोइट्स होते हैं ना, इधर कुछ कह दिया उधर कुछ कह दिया. वर्ड्सवर्थ को तो वैसे ही लाइक नहीं करता था, कहता है कि इसके अंदर यूनिफिकेशन ऑफ थॉट नहीं है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन नहीं है. देखिए उसने हैमलेट को क्या कहा, हैमलेट में उसने बताया कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन नहीं है. यानी जो पैशन दिखाए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए दिखाए जा रहे हैं, ये वाजे नहीं है. बात समझ आई कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन क्या होता है? कि मिसाल के तौर पर जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं वो बैकग्राउंड पे भी हो, जो बैकग्राउंड चल रहा है अगर उसके साथ आपका करेक्टर मैच नहीं कर रहा तो देर इज नो ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन. पीछे बारिश हो रही है, आगे बंदा रो रहा है, ऊपर से बादल गरज रहे हैं, बंदा रो रहा है, तो हम इसकी ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन देख सकते हैं. पीछे आगे पीछे आप सीन चल रहा है, यानी मातम हो रहा है, आपका जो करेक्टर है वो हंस रहा है, आपका करेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो शादी की बातें कर रहा है, तो इट इज देर इज नो नॉट ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन. ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन मीन व्हेन बैकग्राउंड and the character, they are matched with their thought, feeling, and there is a harmony, there is a mutual, and these all together create unification of thought and sensibility. और इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन. ये कंसेप्ट किसने दिया? टी एस एलियट ने इसका कॉन्सेप्ट इसको इंट्रोड्यूस करवाया. वैसे ये पेंटिंग की टर्म है, और वाशिंगटन नामी एक बंदा है जिसने इसको डिस्कवर किया था. बात याद रख लें, वाशिंगटन नामी एक पेंटर था. ये पेंटिंग की टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, और लेकिन इसको यूज़ किया था इसने टी एस एलियट. अब स्पेंसेरियन पोएट हमने डिस्कस कर लिए, हमने इस पर डिस्कस किए कि ये पोएट थे फिनियस एंड द जायल्स फ्लेचर. ये दोनों जो मिलकर पोएट्री करते थे. दे टू ब्रदर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे राइट पोएट्री टूगेदर एंड देयर वर्क वॉज पब्लिश्ड. और इसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं, ये मेटाफिजिकल पोइट मैंने बताया कंसीट यूज करते, इमेजरी यूज करते, और इसको टी एस एलियट ने इनको एडमायर किया. टी एस एलियट बाद में आता है, ये पहले के पोइट हैं, ये बात याद रखिएगा. टी एस एलियट तो एक मॉडर्न राइटर है, और जब ये इसकी पोइट्री को पढ़ता है तो कहता है कि शेक्सपियर के हैमलेट के अंदर तो आर्टिस्टिक फेलियर मौजूद है, लेकिन जॉन डन की पोएट्री जो है वो एक इंटेलेक्ट बेस है. वो क्या कहता था टी एस एलियट के पोएट्री होनी चाहिए इंटेलेक्ट बेस. उसने जॉन डन को एडमायर किया, और इसमें प्रोमिनेंट पोएट जो हैं, जो सारे फॉलोअर हैं जॉन डन के, जॉन डन इनका सबका हेड है, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन्स और थॉमस ट्रेंस और अब्राहम कॉलेज, रिचर्ड क्रैशा एंड एंड्रयू मार्वल जो है ये बड़ा मशहूर है, प्रोमिनेंट है. देयर वर्क हैज़ कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस द पोइट्री ऑफ द 20th सेंचुरी. इन्होंने 20th सेंचुरी की पोइट्री को बहुत इन्फ्लुएंस किया. मैंने आपको बताया कि उसमें टी एस एलियट है जो सबसे ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हुआ था जॉन डन से. टी एस एलियट ही इन्फ्लुएंस्ड, ही सेड दैट ही हैज़ अ यूनिफिकेशन ऑफ थॉट और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, एंड ही इज डूइंग पोइट्री थ्रू हेड नॉट हार्ट. पोइट्री किससे करता है? वो यूनिफिकेशन ऑफ, यानी हेड और हार्ट को मिला के करता है. लेकिन उसकी पोइट्री में हार्ट जो है वो ताबे है हेड के, यानी हेड जो है वो कंट्रोल करता है, माइंड कंट्रोल करता है उसकी पोइट्री को. पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या, रिफाइंड हो, ऑब्जेक्टिव हो, टू द पॉइंट हो, माइंड के थ्रू हो. ये टी एस एलियट का कहना था. वो कहता है जो दिल से लिखी जाए, यानी जो जो आपके मन में आता जाए लिखते जाएं. उसने कहा पोइट्री इज नॉट ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, रादर ही से पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, रादर इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशन. ये कोई टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, ये एस्केप फ्रॉम इमोशन है. पोइट्री की उसकी जिसने डेफिनेशन को रद्द कर दिया था वर्ड्स वर्ड. Characteristic of poetry is what separate is the medium of writing from other forms. Specifically, what does poetry use part of its forms and functions? Different types of the writing and expression
not. Poetry tends to have three main characteristics that set apart from the other writing. Ben Jonson जो था